और जितनी मेरे भारत भूमि की माताएं बैठी हुई हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, टीवी और मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक पर कथा सुन रही हैं, उनसे निवेदन है, जो पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन। आपके नजदीक में 5 घर 6 घर 7 घर में जहां फुलेरा बंदे, जिस मंदिर में फुलेरा बंदे, वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर जाओ। और एक फुलेरे का दर्शन हम तुम्हें कल यहीं करा देंगे बाबा के धाम में, शिव तत्व फुलेरे का दर्शन अवश्य, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। और फिर निवेदन है, तुम्हारा व्रत हो ना हो, 5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो, 5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से बाबा से प्रार्थना कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो, शिव को समर्पित। और फिर निवेदन करूंगा फुलेरा का आनंद करने वाली माताओं से, मान लो 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो, तो मेरा निवेदन है फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए, उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देव अधिदेव महादेव के सुंदर फुलेरे का जब दर्शन करने जाएं, तो किसी भी फुलेरे के दर्शन करते समय 5 वृक्ष की पत्तियां अपने भाव से बाबा को समर्पित अवश्य करें, शिव तत्व को। हरतालिका तीज साधारण तीज नहीं है, स्वयं भगवान शंकर की जितनी पूर्व में आप अंदाजा लगाएंगे, मां सती, माँ उमा, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, जितनी माता के जितने स्वरूप, माँ बगलामुखी, माँ ध्रुमावती, माँ कमला, जितनी माता के स्वरूप हैं, जितने स्वरूप में भगवान देवाधिदेव महादेव उनके साथ में विराजमान है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं माता का जिन माता ने भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन ना कराओ और हरतालिका तीज ना करी, हरतालिका तीज का स्मरण ना करो, करिए। और जब फुलेरे का दर्शन करने मेरी माताएं जाए, जब हरतालिका तीज का पूजन करें, जब मंदिर में या आप किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाए, उस समय पर भगवान से प्रार्थना जरूर करें। फुलेरे का दर्शन करते करते अपने मन की कामना करते करते एक बार दोनों हाथ उठाकर जमकर, जब फुलेरे का दर्शन करो, किसी के यहां पर भी फुलेरे का दर्शन करने जाओ, जमकर बोल कर आओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शंकर का नाम स्मरण कर आओ, उच्चारण कर आओ, भजन हो रहे हो तो भजन का आनंद करिए, श्री शिवाय नमस्ते, भगवान शंकर के मूल स्मरण करिए, करो दर्शन।